हेलो एवरीवन, हेमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ आपके साथ शेयर करने, जो हमारे रात को बच जाते हैं चावल, उसका हम कुछ बहुत ही अच्छे तक टेस्टी से नाश्ता बना सकते हैं, जो कि बच्चों को देखने में भी यम्मी लगे और खाने में तो यम्मी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम उसमें इतना कुछ डालेंगे। तो जो रात के बच जाते हैं हमारे चावल, या सुबह के चावल शाम को बच जाते हैं, कई बार होता है चावल खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर हम कोई स्नैक्स बनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज चावल के रिंग्स बनाने वाली हूँ, जिसमें मुझे ज्यादा सामान नहीं चाहिए। थोड़ा सा अदरक, लहसुन, प्याज, जो हमारे घर में जो मसाले होते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स और थोड़ा सा दही, इतना हमको चाहिए बस। तो हम चलते हैं हेमा की रसोई में और बनाते हैं चावल के रिंग्स। प्लीज, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आप लोगों का प्यार और स्नेह मेरे पास मेरे ऊपर बहुत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ नई नई अपनी जो मेरी फेवरेट रेसिपीज हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कुकिंग मेरी हॉबी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ। वैसे मैं एक बुटीक चलाती हूँ, मेरा एक बुटीक है, तो मैं अपना मेरा बुटीक है, ऑनलाइन बुटीक है मेरा। तो अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और ड्रेस डिजाइनिंग करती हूँ मैं। तो अभी फिलहाल तो चलते हैं रसोई में। देखिए हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मेरे चावल बचे हुए हैं सवेरे के, ये देखिए चावल बचे हुए हैं सवेरे के। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे करीब है एक दो कटोरी राइस है मेरे, तो मैं इनको एक कटोरी ले लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। ये देखिए मैंने एक कटोरी राइस ले लिए हैं, ये देखिए एक कटोरी राइस मैं इसमें डाल लूंगी मिक्सी में, और इसमें मैं आधा कटोरी पानी दही डालूंगी। पानी नहीं डालना है, दही डालना है। ये देखिए दही अगर ज्यादा खट्टी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर खट्टी है तो भी कोई बात नहीं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए दही और चावल को तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए है थोड़ा सा चावल का आटा, जितने मेरे चावल है उतने ही चावल का आटा, उससे आधी मेरी सूजी है, उससे आधा मेरा उड़द की दाल का पाउडर। अगर आपके पास उड़द की दाल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, ये मुझे अच्छी लगती है बड़ों के लिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम सांभर बड़े जैसा स्वाद आता है। थोड़ा सा धनिया, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च कटी हुई है, देखिए है ना। और इसके लिए मुझे ज्यादा मसाले नहीं चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया सूखा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया दरदरा और ये पुदीने का मैंने पाउडर बनाया, बस हमें सिर्फ इतना ही सामान चाहिए। और तलने के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको पीस कर डो बना लेती हूँ। बिल्कुल बारीक हमारे चावल, देखिए बिल्कुल चावल जो है एकदम बारीक पीस गए। इसका हमको डो बनाना है, और डो बना के हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए भी रखेंगे। बन गया है, ये देखिए चावल पूरे पीस गए हैं, देखिए कितने अच्छे, बिल्कुल एकदम आपको एकदम बारीक पीसना है इसको, है ना। बस सिर्फ जितना दही से चावल आप पीस सके उतने ही चावल आपको पीसना है। तो ये मेरे करीब मान के चलिए कि 200 ग्राम चावल होंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच उड़द की दाल का आटा, क्योंकि बिल्कुल बड़ों का स्वाद ही लगता है उड़द की दाल, अगर हम डालते हैं थोड़ा सा तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हम बड़ा खा रहे हो, बिल्कुल एकदम सांभर बड़े टाइप ही। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सूजी, आधी कटोरी सूजी, हम देख लेंगे कितना हमारा टाइट डो बन रहा है। और ये हमारा चावल का आटा, ये मैंने घर में ही धो के पीस लिया थे, चावल को धो के डाल दिया था, उसके बाद मैंने उसको पीस लिया था। तो इसको हम ऐसे डो बना लेंगे, टाइट सा डो, है ना। हम अपने सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने पुदीना लिया है, सुखाया हुआ है घर में, ये पुदीने का फ्लेवर क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खड़ा धनिया क्रश करके लिया हुआ, देखिए आप, तो क्रश करा हुआ धनिया जब मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप मिर्ची थोड़ी ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी चावल में नमक है इसलिए मैं नमक थोड़ा सा, ये थोड़ा सोडा है इसको आधा डालूंगी, बस आधा खाने वाला सोडा, आधा बस, इतना नहीं, ज्यादा नहीं डालना है। और ये मेरा धनिया पाउडर है सूखा, और ये मेरा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अदरक और लहसुन डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप मत डालिए, लेकिन अदरक तो आपको डालना ही है। और ये मेरा कटा हुआ मिर्ची और धनिया, ये मैं डाल देती हूँ इसमें, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि चावलों में नमक हमारे ऑलरेडी है, बट हमने आटे जो ऐड किए हैं इसलिए हमें नमक तो डालना ही पड़ेगा। तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेंगे। अब इसको हम एकदम टाइट, जैसे हमारे बड़ों का डो होता है, उसको ऐसे हाथ से बना लेंगे, क्योंकि चम्मच से अच्छे से नहीं बन पाएगा, हाथ से इसको करके। और उसमें चूंकि हमने सूजी और चावल का आटा डाला है ना, तो इसको हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी रखेंगे, तो ये हमारा अच्छे से फूल जाएगा। जब अच्छे से ये फूल जाएगा तो हमारे जो रिंग्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, है ना। तो मैं इसको डो को बना के रख देती हूँ। अच्छा बन गया है, इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अभी देखिए एकदम हार्ड बनना चाहिए ना, इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना ऑयल गरम करने रखेंगे जब तक हमारा ये रेस्ट हो जाएगा इसका। ये हमारा देखिए डो जो है वो रेस्ट हो चुका है, और देखिए कितना कड़ा, वो कितना अच्छा हो गया है ना। अब हम इसमें कढ़ाई में ऑयल डालेंगे,
डीप फ्राई करने के लिए, क्योंकि इसको हमको डीप फ्राई ही करना पड़ेगा है ना, इसको सेलो फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बॉयल गर्म हो जाए तब तक मैं अपने रिंग बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए रिंग बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा ढक्कन लिया है, ये देखिए इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे, अगर ये फट भी जाता है तो कोई बात नहीं, इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए क्योंकि हमको एकदम प्रॉपर रिंग बनाने हैं। एक्चुअली में क्या होता है, शेप देख के ना बच्चे बड़े खुश होते हैं और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया बनाया है। ये देखिए हमारा ये बन गया है ना। तो इस तरह से हम अपने सारे रिंग बना के रख लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी तल सकते हैं, बट मुझे रिंग अच्छे लगते हैं इसलिए देखिए ये इसको मैंने ये प्रेस किया। ये देखिए ये बन गया, ये देखिए, ये देखिए एकदम आराम से ये रिंग बन गया। इसको अगर आप चाहो तो इसको हल्का सा ये कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने सारे रिंग बना के रख लेते हैं। ऑयल मुझे लग रहा हो गया है, अब मैं गैस को ना सिम पे कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये सिम पे सिकेंगे तो अच्छे रहेंगे। वैसे तो चावल हमारे बने हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे एक ही कर डाल के पूरे रिंग अपने सेक लेंगे। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं देखने में, ये देखिए। और कोई इसको कह भी नहीं सकता कि हमारे रात के बचे हुए चावलों के रिंग्स हैं ये, क्योंकि ये एकदम फ्रेश चावल बनाएंगे ना आप, तब बनाएंगे तो उतने अच्छे नहीं बनेंगे जितने कि अच्छे आपके रखे हुए चावल के। भले ही आपके रखे हुए चावल सुबह के हों या शाम के हों तो चलेगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, इतने यम्मी यम्मी लग रहे हैं, तो खाने में तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये देखिए इनको हमको सिंपल सेकना है, क्योंकि इसमें चावल और सूजी का आटा है तो थोड़ा सा अच्छे से ये सिक जाए। ये देखिए हमारे रिंग्स कितने बढ़िया तैयार हो गए, ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन। देखिए ये देखिए आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं लगा है, डीप फ्राई जरूर किया है हमने बट इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं। देखिए ये देखिए देखने में इतने यम्मी लग रहे हैं तो आप सोचिए खाने में कितने टेस्टी लगेंगे, और हेल्दी भी है क्योंकि राइस ही है इसमें, खाना की खाना स्नैक्स की स्नैक। अगर खाना खाने का मन नहीं है तो आप सिर्फ इसको भी बना सकते हैं, तो आपका डिनर भी हो सकता है आराम से। तो देखिए कितने सुंदर हमारे तैयार है, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कितने क्रंची हैं। ये देखिए 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 कितने क्रंची हैं, ये देखिए आप सुन रहे हैं आवाज़ कितने क्रंची हैं। ये देखिए देखिए और देखिए कितने अच्छे हैं, ये देखिए कितने टेस्टी है और कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए आप देखिए हमारे सारे रिंग्स पूरे बन के तैयार हो गए हैं और कितने क्रंची और कितने अच्छे बजे, देखिए देखिए कितने अच्छी आवाज़ आ रही है एकदम, देखिए और कितने क्रंची और कितने टेस्टी। देखिए मैं तोड़ूंगी तो आवाज़ आएगी इसमें से। ये इसको आप सेजवान चटनी के साथ खाइए या किसी के साथ भी खाइए, जिसके साथ आपको खाना उसके साथ खाइए। हरी चटनी बना सकते हैं आप पुदीने की, और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी है। देखिए नाश्ता के नाश्ता और खाना के खाना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसमें इस तरह से डाल के बनाती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमेशा की तरह। टेक केयर, बाय बाय।